सो फ्रेंड्स, अगर आपका वेट गेन हो गया है वेट लॉस करने के बाद हर्बल लाइफ की प्रोडक्ट लेके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, पूरी एंड तक देखिए। फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, यस, मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट जब आप यूज कर लेते हैं और यूज करने के 3-4 महीने बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट 3 से 4 महीना यूज करने के बाद वेट जो है ना फिर से पुट ऑन हो जाता है। वेट लॉस तो आप कर लेते हो, फिर से उसके बाद आपका वेट जो है ना वो गेन हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस छोटी सी मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो ना फ्रेंड्स, मैं उसके ऊपर बात करूंगी। सीरियसली इसे मिस्टेक ही कहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट आपने 3 से 4 महीना ले लिया। सो फ्रेंड्स, कैसे होता है, अगर आपका वजन है 80 किलो और आपने 80 किलो में आपने वजन को स्टार्ट किया है रिड्यूस करने का, वेट लॉस करना स्टार्ट किया हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स लेके, आप लोगों को पता है जब भी आपके एसोसिएट होते हैं वो आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज देते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जैसे कि F1 होता है, उसके साथ में आपको PPP लेना होता है, उसी के साथ में आपको लेना होता है सेल्यूलॉस की टैबलेट्स को, और उसके साथ साथ में आपको लेना होता है अफ्रेश। तो इन सारी प्रोडक्ट्स को आपको लेके आपका वेट लॉस करना होता है, ठीक है? तो ये सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है जो भी आपके एसोसिएट होंगे। मे भी बहुत से लोग ये भी मुझे बोलते हैं कि मेरे एसोसिएट ने मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया है, तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को आज पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो। तो ये वेट मैनेजमेंट किस तरह करना है कि आपका वेट है ना, अगर आप 80 किलो के हो और आप 80 से 60 किलो के आपने वजन कम कर ली है, 30 किलो अगर आपने वजन कम कर लिया है, तो उसके बाद आपको 60 पे अगर आप आ गए तो कैसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है अपने वेट को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हर्बल लाइफ के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जितने भी रिव्यूज हैं उनके पूरे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, एंड लाइक जरूर करना इस मेहनत के लिए मेरी, इतनी यूजफुल वीडियोज जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी आप वेट लॉस करने के लिए हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपका जो टाइम टेबल होता है जैसे, उसे आपको फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको एक टाइम टेबल दिया गया होता है, 7, 10, उसके बाद आता है 12, उसके बाद आता है 1, 1 to 2 के बीच में, फिर 4 o'clock के बीच, फिर 4 to 5, 5, उसके बाद 7 o'clock, 7 o'clock लास्ट होता है। तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, किस तरह से आपको अपनी टाइमिंग को सेट करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, जब आप सवेरे उठते हो 7 o'clock, 7 AM आपको क्या करना होता है, 7 बजे के टाइम पे आपको लेना होता है यहाँ पे अफ्रेश। में भी लाइट है इसकी वजह से आपको दिखे ना, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताती हूँ। 7 बजे जैसे उठते हैं आपको अफ्रेश लेना होता है, तो अफ्रेश की कुछ डिबिया आपको इस तरह से दिख जाएगी, ठीक है? तो ये अफ्रेश आपको लूक वार्म वाटर में या फिर अच्छे से एकदम गर्म पानी में 1 टेबल स्पून, ले जो इसमें स्पून दिया हुआ है ना टी टेबल स्पून, उसमें ही आपको ऐड करना होता है और आपको वो लेना होता है 7 बजे के टाइम पे। उसके बाद का जो टाइम होता है 8 बजे, जब आप सुबह उसके बाद सीधा 1 घंटे के बाद, देखिए अफ्रेश के साथ में आप सेल्यूलॉस ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अफ्रेश पी रहे हो उसके साथ में आप 1 टैबलेट सेल्यूलॉस की ले लीजिए। कोई कोई एसोसिएट रिकमेंड करते हैं कि आप 2 टैबलेट्स ले लो उस टाइम पे मॉर्निंग में ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर में ना आप 6 टैबलेट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं सेल्यूलॉस की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिसका वेट ना बहुत ज्यादा है, ये जो 80 kg वाले वेट है ना ये उनके लिए है, ना कि 60 और 50 kg वाले वेट जो है ना वो उनके लिए नहीं है। सेल्यूलॉस की टैबलेट हर किसी को अलग से रिकमेंड की जाती है। तो ये लास्ट वीडियो में मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि 80 kg है, अगर मोर देन 80 kg है, 80 kg है ना, तब आप 2 सेल्यूलॉस की आप टैबलेट ले सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं लेनी होती है। अगर आप 60 kg के हो तो आपको सिर्फ 1 टैबलेट ले, पूरे दिन भर में आपको 3 टैबलेट्स लेनी होती है सेल्यूलॉस की। सेल्यूलॉस क्या करता है आपके बॉडी में, एक्चुअली आपको बॉडी को शेप देता है, एंड बहुत सारी इसके ऊपर मैंने ना टॉपिक ऑलरेडी कवर किए फ्रेंड्स, तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। सेल्यूलॉस की मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है आप लोगों के लिए, उसे भी आप चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया, तो 8 बजे का जो टाइम होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सीधा 1 घंटे के बाद लेना होता है आपका F1 लेना होता है प्लस PPP लेना होता है। तो इन दोनों को आपको मिक्स करके शेक बनाना होता है। तो शेक बनाने के लिए सेम फ्रेंड्स फॉर्मूला 1 जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना, वेट मैनेजमेंट करने के लिए, और ये
दोनों को अच्छे से आपको क्वांटिटी भी बताई गई है, मैंने क्वांटिटी आप लोगों को पहले ही बता दिया, आप वो वाली वीडियो चेक कर लो। तो फ्रेंड्स इन दोनों को यूज करके आपको आपके आपका शेक बना लेना होता है। तो आपने 8 बजे आपकी शेक ले ली, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको कुछ अच्छा सा फ्रूट्स सैलड वगैरह बना के रेडी करना है। अगर आपको बहुत भूख लगती है, तो वैसे तो भूख नहीं लगती है जब भी आप इस प्रोडक्ट का यूज करते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती। तो कम से कम 1-2 घंटा तो आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। तो टाइमिंग आता है 10 बजे का, ठीक है, 7, 8 और 10। अब ये 10 AM सुबह मॉर्निंग में, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप कुछ स्नैक्स ले लो, जैसे कि स्प्राउट ले लो या फिर चना ले लो, है ना, गरी ले लो, छुआड़ा, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये सारी चीजें जो फाइबर युक्त होती है ना वो आपको लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप पोहा भी ले सकते हो 1 कटोरी भर के, ठीक है। ये 10 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद आपको फिर से अगर आपको ना 1 से 2 के बीच में आपको बहुत जोर से भूख लगेगी, वो आपका लंच टाइम होता है। 1 to 2 o'clock के बीच में आपका लंच स्टार्ट होता है। तो लंच में आपको क्या लेना होता है, 1 कटोरी पूरा दाल लेना होता है जिसमें प्रोटीन हो, ठीक है, और थोड़ा सा चावल ले लीजिए। चावल अगर आप नहीं खाएंगे तो बहुत जल्दी वेट लॉस होगा, बट थोड़ा थोड़ा, हर एक चीज आपको एकदम से स्किप नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी चीजें आप लेते रहिए। फिर राइस ले लीजिए थोड़ा सा, फिर 2 चपाती लेना होता है, और फिर आप अपना सलाद लेना बिल्कुल नहीं भूलिए, सलाद ले लीजिए। साथ ही साथ अच्छी मस्त एकदम वेजिटेबल्स, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो बहुत ज्यादा। तो ये आपकी लंच हो गई, ठीक है, तो आपका पेट भर गया। मॉर्निंग में तो आपने खाया ही, मतलब ये जो हमारा फूड है जिसे हम फूड भी कहते हैं अपना हर्बल लाइफ, तो ये सारी चीजें हमने ले ली ना, ठीक है। अब हमारा 1 बजे का लंच कंप्लीट हो चुका, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया। अब बात आती है जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है 4 से 5 बजे के टाइम पे, तो आपको उस टाइम पे क्या करना होता है, 4 to 5 के बीच में सबसे पहले ना आपको अफ्रेश लेना होता है। जो आप 4:30 ले लो या 5 o'clock ले लो, अफ्रेश पी लो आप दिन भर में, लेकिन आपको ना 8 ग्लास पानी तो आपको पीना मस्ट है। आप जितना पानी पियेंगे ना उतना जल्दी आपका वेट लॉस होता है, ये आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये चीजें लोग भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा गाइड कर देती हूँ अच्छे से। तो 4 से 5 बजे के बीच में आपने ले लिया, फ्रेश ले लिया, उसके बाद में फिर आपको भूख लग जाएगी 5 बजे, तो आपको ऐसा लगता है कुछ खाने का मन करता है, तो उस टाइम पे भी आप थोड़ा सा 1 कटोरी पोहा खा सकते हो, चाहे तो फिर बिस्किट ले सकते हो, चाहे तो फिर नारियल की गरी ले सकते हो, चाहे तो फिर स्प्राउट खा सकते हो उस टाइम पे। ऐसी चीजें खाइए जिसमें कि लो कैलोरीज हो, ठीक है फ्रेंड्स, काजू बादाम मुनक्का ये सारी चीजें आप खा सकते हो। तो खाना खा के भी आपको अपना वेट लॉस बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आप 1 बजे के टाइम पे भी अफ्रेश ले सकते हो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, ये हो गया हमारा 4 to 5 का टाइमिंग। तो इसके बाद देखिए जब आप लंच का टाइम आता है तो वो 7 बजे का टाइम होता है। तो 7 PM जो लास्ट टाइम दिया जाता है लोगों को, तो 7 बजे आपको सेम वैसे ही आपका पूरा खाना, मतलब डिनर करना होता है। 7 o'clock तक आप रखिए, 7:30 आप लास्ट रखिए, ताकि आपका जो डिनर है ना वो अच्छे से कंप्लीट हो। तो सेम 2 चपाती लेना होता है, 1 कटोरी आप चिकन वगैरह भी अगर खाते हैं तो खा सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो फिर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, नॉन वेजिटेरियन है तब भी आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। बट घी, ऑयली, बटर, जंक फूड, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना होता है। हाँ, आप संडे के दिन एक दिन चीट डे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आपको कंटिन्यू रखना है, हर एक चीज में मैनेज करना है। उसके बाद आता है फिर से, अगर 7 बजे अगर आपने खाना खा लिया, आप लोग सोचते हैं कि 7:00 और 7:30 तक मैंने खाना खा लिया तो मुझे फिर से भूख लग जाएगी। अगर फिर से आपको भूख लगती है, 9 बजे का टाइम आप ले लो, रात के 9 बजे आपको क्या करना होता है, जल्दी अगर वेट लॉस करना है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, 9 o'clock के टाइम पे आपको फिर से आपका शेक बनाना है और उसे लेना है, ठीक है। तो शेक बनाइए और उसको अच्छी तरह से आप ले लीजिए और रात को सो जाइए, उसके बाद तो आपको भूख नहीं लगेगी क्योंकि स्टमक एकदम फुल हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी वेट लॉस करने का जो प्रोसीजर है ना, मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर किया, एकदम बहुत फास्ट आपका जो वेट लॉस होगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये टाइमिंग है, आप लोग जरूर नोट कर लेना, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करूंगी। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी जो हर्बल लाइफ, हम लोग शेक वगैरह लेते हैं। अब उसके बाद छोड़ने के बाद आप मोटापा फिर से बढ़ने लग जाता है, ऐसे 3 से 4 महीने आपने लेके अपना 30 किलो अगर वजन कम कर लिया तो आपको लगता है अरे मैं फिर से मोटी हो रही हूँ, तो वेट बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे ही आपने स्किप कर दिया, हर एक प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दिया,
तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अपना मेटाबॉलिक रेट आपको अच्छा रखना है। मेटाबॉलिक रेट अगर आपका अच्छा है ना दोस्तों, तो आप आराम से इजीली आपका वेट लॉस कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपने सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दो, लेकिन अफ्रेश को बंद नहीं करना। अफ्रेश को आप इसी तरह से 2 से 3 महीना आप लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे पूछते हैं कि वेट फिर से बढ़ रहा है, बट गाइस ये मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर करी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे सिखाया गया है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अफ्रेश को आपको लेना बंद नहीं करना है। तो फिर से मैंने अफ्रेश अभी तक मैं लेती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अफ्रेश लेने के बाद एक एनर्जी भी आती है बॉडी में, और बाकी की चीजें आप बंद कर दीजिए, सेलुलॉस मत लीजिए, F1 मत लीजिए, PPP मत लीजिए, लेकिन अफ्रेश को आप कंटिन्यू रखिए, उससे आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा। ना तो आप कोई भी थोड़ी सी चीट अगर करते हो अपने साथ में, तो भी वो आपका वेट लॉस पूरा प्रॉपर मैनेज करके रखता है, वेट गेन नहीं होने देता। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अफ्रेश वगैरह तो आपको चालू रखनी है, थोड़े दिन के बाद आप इसे बंद कर सकते हो, फिर आपका वेट जो है ना मैनेज रहेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा गलतियां यहाँ पे करते हैं, जो आपको टाइमिंग दी गई होती है वो टाइमिंग पे आपको पर्टिकुलर रहना है। जैसे कि आप वेट बहुत एक्साइटेड होते हो वेट लॉस करने के लिए, तो आप अपने टाइमिंग पे बराबर खाते हो, आपके एसोसिएट आपको कॉल करते रहते हैं, आपने ये टाइमिंग पे खाया ना, ये वाली एक्सरसाइज की ना, तो देखिए आपका माइंड भी वैसे ही सेट रहता है कि हाँ मुझे भाई 7 o'clock को तो अफ्रेश लेना है, एकदम माइंड आपका उस पर ही रहता है फोकस, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे शेक लेना है, फिर लंच कब करना है, तो आपकी जो टाइमिंग होती है ना, उसे आपको वेट लॉस करने के बाद भी पकड़ के रखना है। तो आपको वो आपकी टाइमिंग है ना, आपको वो मिसमैच नहीं करनी है, आपको वही ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसी का फर्क है। और जब आप कैलोरीज इंटेक करते हो ना, तो उतना आप ध्यान रखिए कि जब आपके एसोसिएट ने आपको बताया होगा कि आपको इतनी कैलोरीज लेनी है, दिन भर में 1200 कैलोरी लेनी है, 1400 लेनी है, तो आपको उतनी कैलोरीज ही इंटेक करना है थ्रू आउट द डे, सेम जब आप अपना ये सारी चीजें छोड़ने वाले हो, ठीक है। तो इन सब चीजों का आप छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपनी टाइमिंग से वो दूर हट जाते हैं, प्रॉपर टाइमिंग पे फिर खाते नहीं है, फिर 8 बजे कभी भी ब्रेकफास्ट करेंगे, कभी भी लंच करेंगे 3 बजे करेंगे, कभी 4 बजे करेंगे, और लंच जो डिनर का टाइम होता है कभी कभी 10 बजे 12 बजे लोग खाना स्टार्ट करते, ये आपका टाइमिंग पूरा मिसमैच हो गया, आपने पूरी शेड्यूल की तो अपनी धज्जियां उड़ा दी। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, अपने टाइम पे प्रॉपर स्टिक रहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने वेट को एकदम प्रॉपरली मैनेज करके रखा है, क्योंकि मैं वो टाइमिंग मैनेज कर रही हूँ आज तक, तो उसी तरह से आप भी करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वैसे तो हैबिट लग ही जाती है ना लोगों को, जब हर्बल लाइफ वगैरह हम यूज करके अपने वेट को मैनेज करते हैं, तो उतना आपको ध्यान देना है बस फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही इजी है इसे मेंटेन करना, मैनेज करना अपने बॉडी के शेप को और हर एक चीज को। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इसे अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में जरूर शेयर करिए यूजफुल वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।